Good morning students. In today's class again we are going to discuss about accounting treatment of goodwill at the time of retirement or death of a partner. Ek entry aapko banani hai. Maine pehle bhi aapko previous video mein clear kari thi, ek sum bhi humne clear kiya tha. Minimum one entry, maximum two entry. Aur uske baad mein fir hum ek naya topic start karenge, wo aapko thoda dhyan dena padega. अभी जो हम सम करने जा रहे हैं, हमारी बुक का सम है अकाउंटिंग ट्रेडर ऑफ गुडविल की. ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में फिफ्थ. फोर्थ सम प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया था, आज हम फिफ्थ सम करने जा रहे हैं. ये है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 फुल स्टॉक. बी रिटायर्ड एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 21,000. Pass necessary journal entries for treatment of goodwill. Pass necessary journal entries. Minimum एक entry, maximum two entry. लेकिन अगर मैं सम को देखता हूं तो बेटा इसमें हम entries तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें form की goodwill तो given ही नहीं है. केवल एक value goodwill form है, हम इसमें केवल एक entry बनाएंगे. But base क्या चीज है हमारे पास में कि value goodwill of form हमें जो given है वो क्यों given है? Because to find out रिटायर्ड पार्टनर गुडविल, कि जो पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट ले रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सम बी रिटायर्ड, इस सम के अकॉर्डिंग बी रिटायरमेंट हो रहा है, तो एज ए कंपनसेशन ए सी को फ्यूचर गेनिंग लेने के लिए उसे कितना कंपनसेशन देना है हमें उसका पार्ट कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें गिवन है वैल्यू गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यू goodwill of the firm is rupees 21,000. Why? Because to find out retired partner. Be retired, so B share of goodwill is 21 multiplied by his profit sharing ratio, that is 5:3:2, 5:3:10 हो गया, 3/10. अब इस रुपीज 6,300 को रिमेनिंग पार्टनर इन एएफसी में हम उनकी गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे. मतलब इन गेन रेशियो ऑफ ए एंड सी, इसको यहां ले लेता हूं, और गेनिंग रेशियो वही कंडीशन इस सब में भी है. आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो इन दिस कंडीशन ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज देयर गेनिंग रेशियो. दैट मीन 5:2 मेरे रिटायरमेंट ले लिया तो एबीसी 5:3:2 को हमने हटा दिया है. ठीक है, दैट मीन्स 5:2. ओके, वही कंडीशन गिवन बाय ए, सो गिवन बाय ए इज 6,300 इंटू 5/7 7 × 63 4,500 given by A and given by C that is 6,300 into 2/7 1,800. Okay, बहुत बेसिक एंट्री है. अगर मैं इसमें एंट्री शो करूंगा तो क्या करके चलूंगा बेटा, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना है इस कंपनसेशन को, तो हम उसके कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे. तो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल पे इट इज नेगेटिवली, तो आप डेबिट कर रहे हैं उसे जल एंट्री में, और रिटायर्ड पार्टनर में कंपनसेशन रिसीव होगा, इट इज पॉजिटिव ऑन हिज कैपिटल क्रेडिट. तो जब मैं इसकी एंट्री बना रहा हूँ सिस्टमेटिक मैनर में, अगर हमें डेट गिवन तो ओके, नहीं है गिवन
जब मैं इसकी जब एंट्री बनाऊंगा तो ए के एंट्री बनेगी, क्योंकि एंट्री इसलिए नहीं होनी पड़ा इसमें, क्योंकि हमें फॉर्म की गुडविल गिवन है। अगर फॉर्म की गुडविल गिवन है तो हम दो एंट्री बनाते हैं, लेकिन फॉर्म की गुडविल ऑलवेज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ओके, बिल्कुल सिस्टमैटिक है। डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ओके। तो एंट्री हो गई, अभी एंट्री अगर आप डेट दी हो तो आप ये लिख सकते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट, द डेट ऑफ रिटायर, ठीक है। तो ए और सी को डेबिट कर लीजिए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्ट में कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4500, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 6300। नरेशन बीइंग बीज गुडविल रिटर्न ऑफ बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेमिंग रेशियो, ओके। ये सब हमारा कंप्लीट हुआ। तो बहुत बेसिक एंट्री होती है, अकाउंटेंट ट्रीट फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। पहले वैल्यू गुडविल के बेस पर हमने रिटायर पार्टनर गुडविल को कैलकुलेट कर लिया है, इसको रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे, एंट्री रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। नाउ इट इज क्लियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक जो थ्योरिकल फॉर्म में हम इंप्लीमेंट करेंगे, इसको थोड़ा मैं पब्लिक क्लियर कर देता हूँ। जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट लेता है तो जो उसका ड्यू मनी कैलकुलेट होता है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो भी कैलकुलेट होगा 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, अब इस ड्यू मनी को पेमेंट करने के हमारे पास में तीन मोड होते हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायर पार्टनर आर थ्री, तीन मोड ऑफ पेमेंट। नंबर वन, पेमेंट इन लमसम या इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया है, ओके, जिसकी एंट्री मैंने करी रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर टू, अगर रिटायर पार्टनर के ड्यू मनी को हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा, लिसन केयरफुली, फॉर्म के पास में इतना सफिशियंट अमाउंट नहीं है कि वो पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर पा रही है या फॉर्म उसको पेमेंट नहीं करेगी, तो उस ड्यू मनी को फॉर्म शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ओके। हम उसकी बेसिक एंट्री करें तो क्या एंट्री बन जाएगी, रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स लोन अकाउंट। नंबर थ्री एंड फाइनल, हिज ड्यू मनी ट्रांसफर टू हिज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। लोन की तरह ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जो मैं आपको जब सम कराऊंगा तब प्रैक्टिकली और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एंट्री रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर एन्युटी सस्पेंस। बट टुडेज टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट, कि जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट ले रहा है तो आपको इमीडिएटली एक सम में उसका एक लोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला है, तो वो आप लोन अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड रफ करते करते मैं आपको बता रहा हूं, अब जो भी लोन अकाउंट में हमारा अकाउंट ट्रांसफर होगा वो हमें रिटायर पार्टनर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बस समय आपको गिवन हुआ। एंड नंबर टू, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट हम जो पे कर रहे हैं वो मंथली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं,
हाफ ईयरली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं, बट हमें सम में ये जनरली दो ही फॉर्म में गिवन होगा, इट इज हाफ ईयरली और ईयरली। लेकिन मैं फॉर्मेट एक ही बनाऊंगा, जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है एक फॉर्मेट बनाना है रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट के लिए। तो हम एक हेडिंग डाल देंगे रिटायर पार्टनर लोन, जो भी नेम है रिटायर पार्टनर का, एक्स लोन अकाउंट, वाई लोन अकाउंट, ए लोन अकाउंट, बी, जो भी रिटायरमेंट लेगा हमें उसको लेकर चलना है। अब वही एक लेजर पोस्टिंग वाला रूल ही है, फर्स्ट कॉलम डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में, डेट पर्टिकुलर जी है, कॉलम बनाए तो ठीक है, नहीं तो नेसेसरी नहीं है कॉलम में से, है ना। ये डेबिट साइड हो गई, डेट पर्टिकुलर जी है, अगर है तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। एंड अमाउंट, ये हो गया हमारा डेबिट साइड, सेम डे पर्टिकुलर जे एंड अमाउंट, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, डे पर्टिकुलर year and amount, it is a credit. Okay, एक format है जो हमें ध्यान से देखना है। अब सबसे मेन बात, retirement of a partner is also reconstitution of partnership firm, और reconstitute partnership firm हमें पता है फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट डेट होती है, न्यू फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट डेट है उसमें, तो जनरली जो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, ए ले, बी ले, सी ले, जो भी आपको दे रखा है सब में, उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी फर्स्ट अप्रैल और फर्स्ट जनवरी, जो भी डेट है, फर्स्ट अप्रैल 2015 रिटायरमेंट डेट होगी या फर्स्ट जनवरी 2015 रिटायरमेंट डेट होगी। ओके, अब यहाँ पर मैंने बेस एंट्री अभी आपको बोली थी कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस रिटायर पार्टनर ड्यू मनी को हम डेबिट साइड में शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में, टू एज लोन अकाउंट। ओके, बट अब हम इसको लोन अकाउंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो अपोजिट कर लीजिए आप, वैसे एंट्री भी देख सकते हैं हम, रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट। तो अब जो कैपिटल बैलेंस है हमें लोन अकाउंट में कौन सी साइड पे शिफ्ट करना है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में था, डेबिट साइड में। तो अपोजिट कर लिए, जब हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो बाय रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पहली बात। दूसरी बात, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमने इंस्टॉलमेंट पे करी है वो एनुअली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करी है, ईयरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करी है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हम एज्यूम कर रहे हैं एग्जांपल के बेस पे, मेरे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सर तीन इंस्टॉलमेंट है कि मैंने रिटायर पार्टनर के ड्यू मनी को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद में तीन एनुअली इंस्टॉलमेंट या ईयरली इंस्टॉलमेंट मैंने पेमेंट करा, तो मुझे लोन अकाउंट भी कितनी ईयर का प्रिपेयर करना पड़ रहा है, 3 years का, ठीक है। लेकिन हाफ एलियो चाहे ईयरली हो, फॉर्मेट आपको बेटा इसी बेस पे बनाना पड़ेगा, इसे कोई डाउट मत करना। ये तो हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तो ईयरली में और हाफ एयरली में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डेट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, थोड़ा इस चीज को ध्यान देके चलेंगे कि डेट गलत हमसे पुट नहीं हो जाए, ये तो मार्क्स करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं डेट भी मान रहा हूँ। अब सबसे पहली चीज, लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करें लोन अकाउंट में, तो बाय रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी इसका अमाउंट है हमने शो कर दिया, ये फर्स्ट एक कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम जो डेट शो करेंगे, दैट इज रिटायरमेंट डेट, जो जनरली फर्स्ट अप्रैल या फर्स्ट जनवरी होगी, तो इतना डाउट मत करना। अब यहां पे ईयरली इंस्टॉलमेंट है और हमें पता है लोन अकाउंट विद इंटरेस्ट के साथ पे होगा, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और तीन एनुअल इंस्टॉलमेंट, चार एनुअल इंस्टॉलमेंट ले रहा है,
तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ सर्टन इंटरेस्ट तो चार्ज करके अमाउंट रिसीव करके चलेगा। हमें इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी, जिसकी रेट आपको गिवन होगी। अब एक नॉर्मली बात है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये इंटरेस्ट लोन अकाउंट पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इस इंटरेस्ट से लोन अकाउंट का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। तो अगर इंटरेस्ट, वैसे इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ईयरली हाफ ईयरली बेसिस पे, वो बात की बात है। वो अमाउंट हमें रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड में रिकॉर्ड करना है, एज अ पॉजिटिव मान के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट। ओके, जो भी कैलकुलेशन होगी जब हम प्रैक्टिकल सम करें उसमें मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, बाय इंटरेस्ट। ओके, लेकिन इसमें जो डेट आई है एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो रिटायरमेंट से जस्ट एक साल बाद में, लिसन केयरफुली, 1 अप्रैल 2015 अगर रिटायरमेंट डेट है, तो पहली इंस्टॉलमेंट और पहला इंटरेस्ट का जो पेमेंट है एनुअली बेसिस पे एंड ऑफ द ईयर होगा, दैट मींस 31 मार्च 2016, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 को रिटायरमेंट है, तो पहला इंटरेस्ट आप एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करेंगे, जिसकी डेट है 31 मार्च 2016। दैट मींस यहां हम डेट शो करेंगे वो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है। ओके, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके हमें पहली इंस्टॉलमेंट, तो उसमें दो कंडीशन चलेगी, प्लस इंटरेस्ट और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट मतलब आपकी जो इंस्टॉलमेंट मनी गिवन है 10-20, उसमें प्लस आपको इंटरेस्ट अलग से ऐड करना है। और अगर बोलता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो हम जो इंस्टॉलमेंट मनी पे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको एडिशनली ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल सब का पार्ट है, हम बाद में करेंगे। अब हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में, अब वही कंडीशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पार्टनर्स लोन अकाउंट पे नेगेटिव होगी, क्योंकि आपका लोन अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करी, तो डिक्रीजिंग इफेक्ट तो कहां पे शो करेंगे हम उसको, डेबिट साइड में। अगर वैसे अगर आप एंट्री बनाओ तो रिटायर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम पहले इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, पहले का हर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो हम डेबिट साइड लोन अकाउंट में टू कैश और बैंक के बैंक से आप शो कर देंगे। ओके, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करके जो भी इंस्टॉलमेंट आई, अब ये इंस्टॉलमेंट भी हम कब पे करेंगे, एनुअल बेसिस पे एंड ऑफ द ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी। अब आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट व्हाट इज द ड्यू अमाउंट ऑफ द लोन अकाउंट, वही क्रेडिट साइड में जब आप डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो एंड ऑफ द ईयर आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैलेंस सीडी जो कैरी डाउन है सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए कितना हमारे पास हो गया है। ओके, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, अब हम सेकंड ईयर में एंटर करेंगे। मैंने एज्यूम कर रखा 3 ईयर में मुझे लोन अकाउंट बनाना है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मैं तो एज्यूम पे चल रहा हूं 3 ईयर। अब फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस सीडी है नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड आपने क्रेडिट साइड में कर दिया बेस अमाउंट करके बाय बैलेंस शीट, सेकंड ईयर का बेस अमाउंट ड्यू मनी आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हम डेट क्या शो करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो सेकंड ईयर स्टार्टिंग जो डेट है, स्टार्टिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 1 अप्रैल या 1 जनवरी, सेम वही प्रोसेस है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में एंड ऑफ द सेकंड ईयर के एंड में आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है बाय इंटरेस्ट। ओके, अभी इंटरेस्ट कब, एंड ऑफ द ईयर। ओके, इंटरेस्ट हमने चार्ज कर दिया एंड ऑफ द ईयर। ओके, दैट मींस इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट आप पे कर दीजिए वो सेम टू कैश और बैंक। ओके, डेट एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि हम ईयरली इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं इसलिए, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर। एंड देन आफ्टर सेकंड ईयर, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए ड्यू मनी कितना रहेगा, वही क्रेडिट माइनस डेबिट इज टू बैलेंस सीडी,
ओके कंप्लीट फाइनल इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट वही कैरी फॉरवर्ड कर लिए बैक टू बैलेंस सीडी बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर बाय बैलेंस बीडी ओके वही अकाउंट स्टार्टिंग टू डेट है जनवरी अपने फर्स्ट अप्रैल या फर्स्ट जनवरी होगी ओके देन फाइनल इंस्टॉलमेंट है इस पे भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया अब देन उसके बाद में फाइनली इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड करके फाइनली हमने पे कर दिया टू कैश या बैंक फाइनल इंस्टॉलमेंट ये थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरी मैंने अज्यूम कराया कि तीन इंस्टॉलमेंट हमको पेमेंट करना थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद में अब कोई भी अमाउंट ड्यू रिटायर पार्टनर का नहीं रहेगा तो टू कैश या बैंक एंड ऑफ द थर्ड ईयर कंप्लीट लोन अकाउंट कंप्लीट और फाइनली ये हमारा टोटल हो गया तो ये बेस होता है ये अपना फॉर्मेट होता है रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट क्लियर करने का ठीक है इंस्टॉलमेंट नंबर इंस्टॉलमेंट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं 2, 3, 4 तक दे सकता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हो रही है वो ईयरली बेसिस पे पेमेंट हो रही है कि हाफ ईयरली बेसिस पे पे हो रही है हम इसको एक प्रैक्टिकल सब में अटेंड करेंगे कोई बड़ी बात नहीं है आपको ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट कि हमारी जो डेट आएगी वो डेट आप किस तरह से कंसिडर करेंगे किस तरह से रखते हैं वो आपको देखना क्योंकि प्रोसेसिंग तो हर ईयर एक जैसी है आपने लास्ट 11 में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है लगभग उसी की तरह से प्रोसेसिंग चलती रहती है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम माना जाता है वो डेट का होता है ठीक है बट यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये ध्यान रखनी है कि ईयरली या हाफली इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा निकल रहा है टोटल ड्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वो ईच इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट आएगा उसमें इंटरेस्ट आपका इंक्लूड नहीं है तो आपको अलग से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो अलग से ऐड करके शो करना पड़ेगा और कई समय में बोल देगा इंक्लूडिंग मतलब एक पॉइंट ध्यान रखना ईच इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ईच इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो प्लस इंटरेस्ट का मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है अब आप प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को अलग से प्लस करके वो इंस्टॉलमेंट मनी टू कैश करेंगे अगर वो बोलता है इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो ऑलरेडी जो इंटरेस्ट आप डिटरमाइन कर रहे हैं क्रेडिट शीट में वो आपको एडिशनली अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है वो उसमें इंक्लूडिंग में चलेगा तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे अभी केवल हमने इसको एक फॉर्मेट में क्लियर करा रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली ईयरली में भी और हाफ ईयरली में मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे इसी तरह से आप अपनी स्टडी को मेंटेन रखिए बी सेफ एट योर होम अपने होम में ऐसे ही आप रहिए अपनी पढ़ाई को रेगुलरली अपने मेंटेन करिए ताकि 12th है बड़ा बोर्ड आपको एग्जामिनेशन देने हैं तो ज़्यादा डाउट्स नहीं आए फिर भी अगर डाउट्स क्रिएट होते हैं आपके तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे भी हमारे फ़ोन नंबर पे भी थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे